बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज मैं नया व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाकिस्तानी जर्नी में। आप मेरे साथ, मेरे जो व्लॉग्स हैं जो मैंने आपके शेयर किए हैं आपके साथ, उम्मीद करती हूँ कि सारे देख रहे हैं और इस मेरी पाकिस्तानी जर्नी को इंजॉय कर रहे हैं। तो आज बहुत स्पेशल व्लॉग है और आज हम रेस्टोरेंट जा रहे हैं, जैनून रेस्टोरेंट है, वहाँ पे हम डिनर करने जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो व्यू आपको नज़र आ रहा है, इतने प्यारे प्यारे माशाल्लाह से सारे जो घर हैं वो आप देख रहे हैं मेरे साथ साथ। आप देखते रहें जब तक हम जुनून रेस्टोरेंट में पहुंचेंगे। आप मेरे साथ ये जो पाकिस्तान के लाहौर में जो नज़ारे हैं वो साथ साथ एंजॉय करें। और जिन लोगों ने अभी मुझे ज्वाइन किया है, जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें और मेरे व्लॉग्स जो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ ज़रूर देखें। मेरी रेसिपीज़ भी मेरे चैनल पे होती हैं, बहुत ही मज़ेदार, वो भी इंजॉय करें, बनाएं। और इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएंगी। इंस्टाग्राम पे मेरा अज़ीम कुकिंग पेज है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ भी पिक्चर्स वगैरह और रील्स मैं अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरे साथ बने रहें और देखते रहें कि जुनून में हमने क्या ऑर्डर दिया, और उस खाने का रिव्यू भी बताऊंगी मैं कि खाना कैसा रहा और कितनी मज़ेदार डिशेस थी। तो जो भी लाहौर में रह रहे हैं उनको उम्मीद करती हूँ कि जुनून रेस्टोरेंट का पता होगा। Thank you.
और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्रिसेंट सा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था फ्लावर्स के साथ, तो बड़ा प्यारा लग रहा था। यहाँ पे ये उनका लोगो भी था, पीछे रेस्टोरेंट का नेम भी था, तो यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह जो थे वो खिंचवा सकते हैं। हमने भी यहाँ पिक्चर्स ली तो बड़ी प्यारी आई और बड़ा ही अट्रैक्टिव ये लग रहा था जो मून उन्होंने जो डेकोरेट किया हुआ था। फिर हम नीचे आए, हमारा ऑर्डर ऑलमोस्ट जो था वो रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे अब माशाल्लाह से जो खाना है आप देख चुके हैं, आ चुका है खाना। खाने में गरम गरम रोगनी नान थे और साथ मटन जो था अचारी वो ऑर्डर किया हुआ था, चिकन था साथ, चिकन की ग्रेवी वो भी थी साथ, और बहुत ही ज़बरदस्त जो खाना था यहाँ पे दिखने में अभी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे मैं खाऊंगी और आपको एंड में रिव्यू बताऊंगी कि कैसा था इस खाने का टेस्ट। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़े मज़ेदार लग रहा है जो बारबेक्यू ग्रिल है यहाँ पे, ये चटखारा चिकन थे, चॉप्स थी ग्रिल की हुई और साथ कबाब सीख कबाब थे और टिक्का बोटी थी ग्रिल में जो हमने ऑर्डर की। और यहाँ पर हमने बिरयानी भी ऑर्डर की हुई थी मटन की, उसका नाम या चिलमन था बिरयानी मटन की या फिर नशेमन, इन दोनों में से कोई एक नाम था जो अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो देखें, वो थोड़ा लेट थी, वो उन्होंने थोड़ी देर बाद सर्व की जो आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लग रही है यहाँ पे, तो उन्होंने वो सर्व की और दिखने में ये भी बहुत मज़ेदार थी। तो अब साथ ही मैं आपको रिव्यू बताती जाऊँ क्योंकि जो ब्लॉग है अब उसका टाइम ख़त्म होने वाला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जितना मैंने रिकॉर्ड किया मैंने आपके साथ शेयर किया, खाना बहुत मज़ेदार था, ग्रिल बहुत मज़ेदार थी, ये चिलमन या नशेमन जो बिरयानी थी मटन की ये भी बहुत मज़ेदार थी, लेकिन चॉप्स थी वो ज़रा ओवर कुक हो चुकी थी पकाने में उनसे, लेकिन खाना ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त था। आप जा सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं जुनून में फ्रेश मज़ेदार खाना। तो यहाँ पर जाते जाते रस्ते में अल्फतेह स्टोर था, वहाँ हमने विज़िट किया। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा और इंशाल्लाह जल्द ही न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी। आप सब अपना बहुत ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल को देखते रहें, सब्सक्राइब करें, फैमिली फ्रेंड में शेयर करें, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।